ये टीम आई विल बी सरप्राइज्ड अगर वर्ल्ड कप ना जीती। अब मैं इंडिया में बैठ के ये कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ उनके पास सब कुछ है जी। वो पाकिस्तान आज वाली पाकिस्तान ही नहीं थी, वो पुरानी पाकिस्तान थी। शाहिन शाह अफरीदी ने आगे जो अग्रेसिव बॉलिंग की, मुझे लगा वसीम अकरम है। पाकिस्तान की टीम वैसी जैसे इंडिया की है, एक्सपीरियंस प्लस युवा, इधर भी वैसा ही है। बाबर आजम युवा खिलाड़ी है, बड़े अच्छे खिलाड़ी है, युवा है, जोश है, और युवा खिलाड़ियों का ही फॉर्मेट कहा जाता है T20। एक और ताकत बाबर, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शाहिन शाह अफरीदी जैसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। सीनियर है और एक्सपीरियंस है, T20 वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस है। एक और ताकत शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रौफ, इनका बेहतरीन तेज गेंदबाजी अटैक। ठीक ठीक वर्ल्ड कप T20 से पहले फिर से पाकिस्तान टीम की चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। एक तो पाकिस्तान टीम के इंग्लैंड के साथ मैचेस हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तान टीम वो मैचेस जीत जाती है, सीरीज जीत जाती है या फिर सीरीज बराबर कर लेती है, तो फिर पाकिस्तान टीम का जलवा वर्ल्ड कप में देखेंगे और वर्ल्ड कप में एंट्री जैसी होगी कि एक बादशाह जैसी टीम की एंट्री होती है वैसी होगी। क्योंकि पाकिस्तान टीम की अगर बॉलिंग देखे तो तारीख का सबसे खतरनाक अटैक आपको मिलेगा जो आजमाया जा चुका है। शाहिन शाह अफरीदी आजमाए हुए हैं दोस्तों, मोहम्मद आमिर चैंपियन ट्रॉफी के विनर, वर्ल्ड कप विनर, वो भी आजमाए हुए हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ चुके हैं। नसीम शाह, हारिस राहू, वही प्लेयर जो हर साल से वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म अच्छा करते आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग की तिगड़ी है वो तबाही की है। उसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो बैटिंग भी अपने कमाल पर आ चुकी है। बैटिंग में वो अब बात दूर होती जा रही है कि आप अगर आस्ता आस्ता खेलेंगे तो आप जीत पाएंगे। अब मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम या फिर दोस्तों अगर देखें मिडल ऑर्डर को, तो सबको पता है कि उन्होंने T20 के लिहाज से बहुत ही तेज खेलना है और T20 लिहाज से ही पाकिस्तान टीम पूरी दुनिया में अपने जलवे बखेर रही है। वापसी हो रही है इनकी। नसीम शाह युवा है और बहुत तेज फेंकते हैं। हारिस रौफ क्या गेंदबाजी अटैक है। तो ये इनकी ताकत। T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला भारत और पाकिस्तान का तो होने वाला है, लेकिन उससे पहले कप्तान बाबर आजम फॉर्म में आ चुके हैं, चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं, इसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो टीम है वो दोनों ही डिपार्टमेंट थोड़ा सा इनसे ज्यादा बैलेंस्ड है? आप मुझे बताइए पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में। चलिए शाहिन शाह अफरीदी की कितनी विकेट है मैन टू मैन? लेकिन शाहिन शाह अफरीदी ने एक मैच में इंडिया में आउटस्टैंडिंग बॉल किया। लेकिन सबसे अच्छी बात T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए यही कि बाबर आजम ने फाइनली एक ऐसी नॉक खेली जो कि T20 क्रिकेट के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस देती है। और आज कुछ ऐसा हुआ जहां पे हमने बाबर के बल्ले से बड़े शॉट्स भी देखे। अलन, जिसे आप देखना चाहते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम बेहतर टीम थी इस मैच में। रिजवान और बाबर ने नॉस्टैल्जिया के दिनों को याद कराया, ये बताया कि यार अभी भी T20 में हम बेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। बाबर आजम ने 50 प्लस स्कोर बनाने के मामले विराट और रोहित को भी पीछे छोड़ दिया। अब वर्ल्ड कप में 9 तारीख को 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है, उससे पहले बाबर आजम जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं। अब पाकिस्तान की टीम पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की टीम वैसी जैसे इंडिया की है, एक्सपीरियंस प्लस युवा, इधर भी वैसा ही है। बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इनकी वापसी हुई है, मोहम्मद रिजवान, इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी और उस्मान खान। ये समावी टीम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये टीम अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। ये जो टीम है वो T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है T20 की, उसके लिए अनाउंस की गई है। अब जाहिर सी बात है जो टीम आप वर्ल्ड कप ले जाएंगे उसी टीम को पहले प्रैक्टिस कराएंगे, ये सीरीज खिलवाएंगे, इसलिए यहाँ पर संभावित लिखा गया है। लेकिन टीम आएगी तो लगभग ऐसे ही आएगी। अब इस पर बात कर लेते हैं, ये टीम आती है तो क्या ताकत है। सैम अयूब अच्छे ओपनर है, उस्मान, उसामा मीर जैसे युवा खिलाड़ी है, बड़े अच्छे खिलाड़ी है, युवा है, जोश है, और युवा खिलाड़ियों का ही फॉर्मेट कहा जाता है T20। एक और ताकत बाबर, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शाहिन शाह अफरीदी जैसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। सीनियर है और एक्सपीरियंस है, T20 वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस है। एक और ताकत शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रौफ, इनका बेहतरीन तेज गेंदबाजी अटैक। पाकिस्तान का सबसे बढ़िया तेज गेंदबाजी अटैक है सोशी अफरीदी, मोहम्मद आमिर, वापसी हो रही है इनकी। नसीम शाह युवा है और बहुत तेज फेंकते हैं। हारिस रौफ क्या गेंदबाजी अटैक है। तो ये इनकी ताकत। लेकिन कमजोरी, क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है। कौन है वहां पर स्पिनर? उसामा मीर नए नए हैं, शादाब खान वो भी खूब पीटे जाते हैं, जब मन आता है उनको आप छक्का मार सकते हैं, इंडिया वालों ने तो मार के दिखाया है, तो उनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। लोअर मिडल ऑर्डर खत्म, यहां तो कमजोर लिखा है मैंने, मैं कहूंगा खत्म है। कौन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये आखिरी, जैसे इंडिया के पास लोअर मिडल ऑर्डर में ऋषभ पंत है, संजू सैमसन होंगे, हार्दिक पांड्या,